कृष्णा, आप सबका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि यदि भक्ति करनी है तो उसकी उम्र क्या है। कई बार माँ बाप बच्चों को लाते हैं मंदिर, और हम लोगों जैसे हम लोग प्रीचर्स हैं तो पूछते हैं कि कौन सा क्लास चल रहा है बच्चों के लिए, हमको बच्चे को सिखाना है, संडे को प्लीज़ लीजिए क्योंकि संडे को हर बच्चे की छुट्टी होती है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चों को रखते हैं, बैठते हैं खुद एक घंटे दो घंटे बच्चों के लिए, बच्चों को डांस ड्रामा और श्लोका इत्यादि सिखाया जाता है मंदिर में। अभी तो लॉकडाउन है पर वैसे सिखाया जाता है। तो उन्हें बहुत चिंता है कि उनके बच्चे सही बने, क्योंकि आजकल समाज में बहुत ऐसी कुव्यवस्था हो गई है। बच्चों का दिमाग बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। इंटरनेट, मोबाइल, वेस्टर्न कल्चर सब आ गए हैं। जवान जो हैं वो माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखा रहे हैं, पति पत्नी में भी प्रेम नहीं है। तो इस प्रकार का माहौल होने के कारण माँ बाप डरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ सभ्यता संस्कृति सीखें। तो जब भी कोई कोई चीज़ आपको खराब लग रही हो या अच्छी लग रही हो तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। उसके आपको पीछे जाकर देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, ऐसे बच्चे क्यों हो गए, आजकल के बच्चे ऐसे क्यों हो गए। तो आजकल के बच्चे अगर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखा रहे हैं तो उसके पीछे उनके माता पिता और उनके माता पिता इत्यादि का कारण है, उनका कुछ उसमें हाथ है। क्या हाथ है? हाथ ये है कि उनको शिक्षा नहीं मिली। जो बच्चे आज बड़े हैं वो जब छोटे थे तो उनको शिक्षा नहीं मिली। हमारा जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें जो शिक्षा दी गई है वो शिक्षा नहीं मिली। इसमें किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, सारे समाज की गलती है। पर हम तो अपने बच्चों को और अपने घर को संभाल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं संभालने की। सब लोग अपने अपने बच्चों को यदि संभालें तो अपने आप समाज अच्छा हो जाएगा। तो ये जो सोच है कि भक्ति हम बाद में सीखेंगे या हम धर्म शास्त्रों को बाद में जानेंगे, तो बाद होते होते तो सब बिगड़ जाती है बात। कब? एक बार बच्चे जब बड़े हो गए और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ेंगे, कोएड में पढ़ेंगे, फिर वो कॉलेजेस जाएंगे तो रात रात भर पार्टी और क्या क्या करेंगे। उसके बाद किस उम्र में उनको हम सभ्यता संस्कृति सिखाएंगे? तो जब इस बात पे गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत साल पहले, करीब 40 साल पहले आई थिंक, या 35 साल पहले टीवी आ गया था हमारे देश में बहुत जोर शोर से, सब जगह टीवी आ गया। उसके पहले हमारे देश की जो स्त्रियां थीं वो बुनाई कढ़ाई सिलाई सब कुछ करती थीं, घर में नॉर्मल परिवार की तरह सब रहता था। लेकिन इसके बाद सारी माताजी जितनी लेडीज हैं मतलब, वो लोग सब टीवी सीरियल देखने लग गई, और टीवी पे तो और बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वो सब देखने लग गई। ज़्यादा वेस्टर्न चीज़ जो सभ्यता संस्कृति है वो भी हमारे देश में आ गई, और इसके चलते धीरे 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 हम पूरी तरह से ऐसा फंस गए कि हमारा सामाजिक जीवन भी नहीं रहा, पारिवारिक जीवन भी नहीं रहा। और अब तो ऐसा है कि अगर एक घर में चार मेंबर हैं तो चारों अपना अपना मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं, आपस में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। आप ध्यान दीजिए, आपको ऐसा दिखाई देगा कई जगह। तो हमारी संस्कृति ऐसी है, या किसी भी मनुष्य की संस्कृति ऐसी ही है, ऐसा नहीं कि हमारी है,
हर जगह की संस्कृति यही है कि छोटे से बच्चे से ही उसको आप शिक्षा दीजिए। क्या शिक्षा? कैसे आपको अपने संस्कृति को जानना है, समझना है। 25 साल 30 साल के बाद बच्चे नहीं सुनेंगे, एकदम छोटे से ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। और इसके लिए माँ बाप को प्रयास करना पड़ेगा। यदि माँ बाप टीवी देखेंगे, माँ बाप यदि मोबाइल में बैठे रहेंगे लेकर के सब कुछ, और उम्मीद करेंगे कि बच्चा समझे या संस्कृति सीखे, ये तो नहीं होगा। बच्चा वही करता है जो माँ बाप करते हैं। जैसे जैसे छोटी सी बच्ची मम्मी को साड़ी पहनते देखती है तो वो भी पहनती है। अगर बच्चा देखता है कि मेरे पिता शेविंग कर रहे हैं तो वो भी शेविंग का ब्रश लेकर के करने लग जाता है शेविंग। तो यदि वो देखेगा कि मेरे पिता माला का जप कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, भागवतम और भगवद गीता पढ़ रहे हैं, या उपवास कर रहे हैं, घर में आज एकादशी है, उपवास का चीज बना है, या तो मंदिर जाना है, आज मेरे घर में किसी का बर्थडे है तो हम सब लोग मंदिर जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, वहाँ पे कुछ अर्पित करेंगे, वहाँ से कुछ प्रसाद लेंगे, किसी प्रभु जी से या किसी से हम कुछ प्रवचन सुनेंगे। यदि ये घर के सीनियर्स करेंगे, माता पिता करेंगे, तो बच्चे को तो अपने आप ये संस्कृति आ जाएगी, वो समझ जाएगा कि हमको ये सब करना चाहिए। तो माता पिता ने जब छोड़ दिया तो बच्चे अपने आप छोड़ दिए। तो थोड़ा थोड़ा हमारे जनरेशन ने छोड़ा और ये जनरेशन पूरा छोड़ दिया। तो इसका परिणाम है कि माता पिता से प्रेम भी नहीं रहा, और जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों की, उस समय ही बच्चे हमें छोड़ देते हैं। तो ये समस्या का समाधान तभी होगा जब हम बच्चों को बचपन से ही संस्कृति सिखाएंगे। उन्हें ऐसा नहीं कि सिर्फ दिवाली के दिन एंजॉय कर ली, गणपति के दिन एंजॉय कर ली, ऐसा नहीं होता है। उन्हें ज्ञान देना पड़ेगा शास्त्रों का हमें बचपन से ही। देखिए, एक बहुत फेमस भक्त हैं जो हमारे देश के सारे लोगों को नाम पता होगा, यदि कुछ धार्मिक ग्रंथों का पता है तो ज़रूर पता होगा। उसका नाम था प्रहलाद। वो प्रहलाद जब माँ के गर्भ में था तभी उसे माता को नारद मुनि शिक्षा दे रहे थे, श्रीमद् भागवतम की कथा बता रहे थे, और प्रहलाद माँ के गर्भ में सुन रहा था ये कथा। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे? नहीं, ऐसा है। आज भी डॉक्टर आपको बताएंगे कि जो माता खाती है, जो माता करती है, जो माता सुनती है, बोलती है, वो सब चीज़ बच्चों के शरीर पर, उसके दिमाग के ऊपर काम करता है। इसीलिए गर्भवती स्त्री को कहा जाता है कि अच्छा माहौल होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, चारों तरफ का माहौल अच्छा होना चाहिए, तो बच्चा अच्छा पैदा होगा। तो जो प्रहलाद था वो तो असुर का पुत्र था, उसके पिता असुर थे, हिरण्यकश्यपु, लेकिन माता गयाधु थी और नारद मुनि शिक्षा दे रहे थे। तो बच्चा गर्भ के अंदर शिक्षा प्राप्त कर लिया और बाद में बड़ा होकर के वो बहुत बड़ा महान भक्त बना। तो गर्भ के अंदर से ही शिक्षा शुरू हो गई थी। और आजकल संस्कार भी नहीं हो रहे हैं, गर्भाधान संस्कार और उसके बाद बहुत सारे संस्कार होते हैं हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में। तो इन सब से बच्चों का दिमाग अच्छा रहता है। तो हमारे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे बचपन से ही भक्ति करना सीखें। ठीक है, आपको काम करना है, आपको पैसा कमाना है, आपको घर चलाना है, तो आपको फुल टाइम भक्ति ही करना, ऐसी बात नहीं है। आप सब कुछ करते हुए संध्या के समय आप थोड़ी देर के लिए पूरे परिवार को बैठ के कुछ आरती करनी चाहिए, कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। ऐसा एक रूटीन घर का सबको बनाना पड़ेगा, तो फिर ये संभव है कि बच्चे बड़े हो करके भी सही रहेंगे। और माँ बाप को वो फॉलो करना पड़ेगा जो वो बच्चे से उम्मीद करते हैं। यदि माँ बाप उम्मीद करते हैं कि बच्चे मेरे से प्यार करें, तो माँ बाप को भी बच्चों से प्यार करना पड़ेगा और अपने माँ बाप से प्यार करना पड़ेगा। यानी
यदि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे से प्यार करे तो मुझे अपने पिता से प्यार करना पड़ेगा। जो हम करेंगे वही बच्चा करेगा। यदि हम अपने माता पिता से प्यार करेंगे, उनको सम्मान देंगे, उनका आदर करेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। तो कृपा करके आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि बच्चे अगर घर में हैं, जिस भी उम्र के हैं, जिस भी अवस्था के हैं, तो वो अच्छी बातें सीखें, और इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो भी सीख पाएंगे। तो कृपा करके आप सब लोग इस बात पर ध्यान दीजिए, और यदि आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या तो आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी लिखिए। हरि बोल।